हुनर को करामात में बदल दे उसे कारीगरी कहते हैं, चश्मे को हवा में पलट दे उसे जादूगरी कहते हैं। नमस्कार, मैं अनिल अग्रवाल आपके सवाल कार्यक्रम में आपका स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ हैं राजस्थान के मशहूर मैजिशियन राहुल जांगिड़ जी। राहुल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद सर। मैं ये जानना चाहता हूं राहुल जी कि जैसे मैजिशियन या जादू, ये जो खेल है या लेमैन की भाषा में इसको मानते हैं कि असंभव को संभव कर देना, तो ये क्या मतलब, इसका कई ट्रिक होती हैं या इल्यूजन होता है या कुछ और इसके अलावा? मैजिक मतलब मैजिक वैसे कुछ भी नहीं है। मैजिक है अपना स्पीड, प्रैक्टिस और फोकस का है, तो उसमें बहुत सारी चीजें होती है, तो आपको सबको मिक्स करके और उसको आप एक मैजिक की फॉर्म में प्रेजेंट करते हो, अपनी प्रैक्टिस शो करते हो कि मैंने इतना टाइम प्रैक्टिस करके और इस लेवल पे मैं इसको लेके आ गया कि वो सामने वाले के लिए ऐसे प्रेजेंट होता है कि वो एक मैजिक हो रहा है। तो मतलब वो असंभव को संभव करके दिखा देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक ठीक। तो आप कितने साल से इस प्रोफेशन में हैं? 3 ईयर्स से मैं प्रोफेशनली शोज कर रहा हूँ और 6 ईयर्स मतलब उससे पहले तो शौकी आपने किया होगा। 3 साल से आप प्रोफेशनली कर रहे हैं? हाँ जी, ठीक। पहले 6 ईयर्स प्रैक्टिस की थी मैंने, 5 to 6 ईयर्स स्कूल टाइम से स्टार्ट किया था मैंने, तो मेरा इंटरेस्ट क्रिएट हो गया और फिर प्रॉपर मैंने मैजिक सीखा और अभी मैं कोर्स भी करके आया हूँ हैदराबाद से, सर्टिफिकेट कोर्स। अच्छा, इसका कोर्स भी होता है? हाँ जी, हैदराबाद में होता है, यूनिवर्सिटी, प्रॉपर गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी वहाँ पे। तो इसकी बाकायदा जैसे डिग्रियाँ होती हैं, जैसे आम डिग्रियाँ, डिप्लोमा होता है 6 मंथ्स का। अच्छा अच्छा। तो उसमें आपको शो सिखाते हैं, स्टेज शो जिसको बोलते हैं अपन, तो वो उसके लिए डिप्लोमा होता है, हैदराबाद और केरला में होता है। तो मैंने अभी हैदराबाद से कंप्लीट किया है अभी, तो मतलब वो कोर्स आप कंप्लीट कर चुके हैं जो? हाँ भी जी, अभी मैंने कोर्स कंप्लीट कर लिया लास्ट मंथ, तो अभी डिग्री आ गई है। अच्छा, जैसे हम पहले देखते हैं, आज से कुछ साल पहले इसका ज़्यादा चलन था, अब ये कुछ लुप्त होता जा रहा है, इसका क्या कारण है? अभी ये है कि मैंने खुद ने भी इसी रीजन से मैजिक स्टार्ट किया कि मैंने खुद ने भी इतना मैजिक देखा नहीं अभी तक, तो मेरे को ये लगा कि जो चीज़ अपन खुद नहीं देख पा रहे तो अपन किसी के लिए शो तो कर सकते हैं उसको, तो इसीलिए मेरा क्रेज थोड़ा सा उसके लिए थोड़ा फोकस हुआ कि अपन जो अपन खुद नहीं कर रहे वो अपन किसी और के लिए कर सकते हैं, तो इसलिए मैंने पूरा मैजिक सीखा, फिर स्टार्ट किया, लोगों को अच्छा लगा तो मैंने और अच्छे से सीखा और फिर 6 ईयर्स के बाद अभी 3 ईयर्स से मैं प्रोफेशनली शोज कर रहा हूँ। आप जैसे शो करते हैं ऑडियंस के सामने, तो उस समय मन में कुछ फियर ये नहीं होता कि आपकी कोई ट्रिक पकड़ी गई या कुछ इस तरह? नहीं, ऐसा मन में ऐसा पहले स्टार्टिंग में जब स्टार्ट किया था फर्स्ट ईयर तक, मेरे को थोड़ा सा ऐसे होता था कि लोगों से मैं बात नहीं कर पाता था और थोड़ा हिचकिचाहट सी होती थी। उसके बाद जैसे ही अपन प्रॉपर शोज में आ गए, मेरे रेगुलर शोज हो रहे हैं, तो उसके बाद प्रैक्टिस से थोड़ा आपको कॉन्फिडेंस आ जाता है कि आप मतलब 0% कोई फियर नहीं होता। हाँ, अभी कोई फियर नहीं होता प्रॉपरली। अच्छा, ये सपोज जैसे कभी कोई करते समय कोई गलती हो जाए उससे कुछ ऐसा मिसहैपनिंग भी हो तो जाता है? उसमें बहुत बहुत बार ऐसा हो जाता है कि अपने से कुछ मिस्टेक हो जाती है या फिर सामने वाला कुछ मिस्टेक कर देता है तो उससे अपने मैजिक पे थोड़ा इफेक्ट होता है, तो वो प्रैक्टिस से, अब जैसे 3 ईयर्स की प्रैक्टिस मेरी हो गई तो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, मैं उसी को चेंज करके और कंटिन्यू कर। इसमें लाइफ का कोई डेंजर नहीं होता किसी के साथ जिसको भी आप प्रैक्टिस में लाके कर रहे हैं? मैं, हम ऐसा कुछ भी नहीं करते, हम क्लोजअप मैच। जैसे एक हमने बचपन से शो देखा हुआ है कि एक लड़की को लिटा कर बीच में आरे से उसको काटा जाता है, तो वो म्यूजिक भी उस समय ऐसा बना दिया जाता है हॉरिबल सा, तो वो कहीं भी ऐसा डरावना कोई ड्रेस नहीं है उस तरह का कोई डेंजर? नहीं नहीं नहीं, जो मैं शोज करता हूँ उसको बोलते हैं अपन क्लोजअप मैजिक, तो americanstreetmagic.com करके हमारी वेबसाइट भी है उसपे, तो हम क्लोजअप करते हैं, तो वो जैसे यूज्ड आइटम्स होता है, जैसे आपकी कोई भी चीज अपन ले लेंगे या फिर खुद का ऐसा कुछ भी नॉर्मल हो गया, जैसे स्पंज बॉल्स हो गए, कार्ड्स हो गए, तो उसको क्लोजअप बोलते हैं अपन, ठीक है? तो वो आपके हाथ में होता है या हमारे हाथ में होता है और लाइव एकदम आपके सामने है, तो उसमें रिस्की ऐसा कुछ भी नहीं रहता, ना कुछ डरने का या इंजर्ड होने की कोई चांसेस नहीं होता, ठीक है? तो ये मतलब दोनों ही तरह से करते हैं, इल्यूजन प्लस ट्रिक? हाँ जी, इल्यूजन और ट्रिक दोनों मिक्स होके। फिर इल्यूजन मीन्स क्या, सम्मोहित करते हैं? इल्यूजन मतलब होता है कि जैसे माया जाल, इंद्र जाल, इस तरह का वो सम्मोहित नहीं होता, वो पहले ये माना जाता ना सम्मोहित कर देते हैं, वो उसको हिप्नोटिज्म वगैरह बताते हैं कि वो नजर बांध दी, वो ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, कभी नहीं हुआ। हाँ, वो सिर्फ फोकस आपका डाइवर्ट कर रहे हैं, जैसे आपका ये फ्रेम है तो उस फ्रेम को वो यहाँ ले आएंगे और यहाँ, तो आपको सिर्फ वो दिखा रहे हैं, तो उसको अपन मिसडायरेक्शन बोलते हैं। ठीक 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 ठीक। तो ये अपने देश के अलावा और किस कंट्रीज में ये? ये बहुत सी जगह में होता है, तो हम जो करते हैं वो अभी पूरा बाहर का है, उसको बोलते हैं हम स्ट्रीट मैजिक जो बोलते हैं, जो मैं करता हूँ, तो मेरे जो फ्रेंड है जिन्होंने मतलब जिससे मैंने सीखा था वो अभी खुद US में ही है,
सिक्स मंथ्स हो गए अभी उनको, तो वो अभी यूएस चले गए इंडिया से, तो वहाँ पे यूएस में भी करते हैं शो ये? हाँ, ये यूएस में शो कर रहे हैं अभी सिक्स मंथ से। अच्छा। जिनसे मैंने सीखा था, जितेंद्र नाम है उनका। नहीं तो आप जो अपने जो शो करते हैं, जो भी गेम करते हैं, उसमें डेली वही करते हैं या नए कुछ शो उसमें ऐड करते हैं? हमारे मतलब रूटीन्स हैं अलग अलग, तो फर्स्ट रूटीन हम फिक्स रखते हैं ताकि अपन को ये पता रहे कि इसने क्या चीज़ देख रखी है। ठीक है। तो अपन वो शो करेंगे और स्टार्टिंग में उसको लग जाता है कि नहीं नहीं मैंने ये देख लिया थोड़ा सा, मतलब उसका आइडिया हो जाता है स्टार्टिंग से। तो हम हैंड टू हैंड उसको फ्रेम को चेंज करके और एकदम दूसरा, वो आपके हाथ में होता है, कभी भी चेंज कर देते हैं। तो इसमें अनलिमिटेड गेम्स हो सकते हैं या अपन बनाए तो अनलिमिटेड एक पूरा दिन भी अपन मैजिक शो कर सकते हैं। बाकी आप में मतलब हुनर होना चाहिए वो ट्रिक्स का, मतलब प्रैक्टिस होनी चाहिए थोड़ी सी और ऐसे करके कॉन्फिडेंस होगा। तो आपने कोई ऐसा शो किया बड़े से बड़ा जो अभी तक किसी ने नहीं किया हो? जैसे जो मैं करता हूँ वो इंडिया में शायद टॉप 50 लोग भी नहीं करते होंगे, अभी जितने भी टॉप 50 मैजिशियंस ऑल ओवर वर्ल्ड, इंडिया में अपन करे तो ठीक, क्योंकि ये जो मैं करता हूँ पूरा बाहर का रूटीन्स है, प्रॉपर इंटरनेशनल है, तो वो मैं करता हूँ। तो वो अगर टॉप 50 से भी बहुत कम लोग है जो ये करते हैं, तो ये थोड़ा इंडिया में इतना भी नहीं है, तो जो पूरा बाहर का है तो इसलिए थोड़ा अलग है अभी भी। अच्छा राहुल जी, एक चीज़ जैसे इसका स्कोप इंडिया में ज़्यादा है या बाहर? वैसे तो दोनों जगह ज़्यादा है, क्योंकि जैसे मैं जयपुर में 3 ईयर से अभी शोज कर रहा हूँ। ठीक है। बाहर इतने नहीं होते लेकिन होते रहते हैं। विदेश में भी आपने किए हैं कोई शो? नहीं, विदेश का नहीं, अभी मेरा दुबई का प्लान है, अभी शिफ्ट हो जाऊंगा मैं दुबई। दुबई शिफ्ट हो जाएंगे? हाँ। ठीक। तो उसमें ये है फोकस कि जयपुर में अभी भी मेरे को बहुत कम लोग, 1% ऐसे लोग मिलते हैं जिन्होंने कुछ देखा भी है, उन्होंने मेरा मैजिक भी नहीं देखा कभी। तो इसलिए मेरे को लग रहा है कि जयपुर में भी इतने सब लोगों ने अभी तक मैजिक नहीं देखा, तो अपन बाहर जाएं तो जयपुर में भी अपन सब कुछ कर सकते हैं, प्रॉपर शोज कॉन्टेक्ट्स हों, तो उससे अपन सब कुछ मतलब इसको चलन में ज़्यादा से ज़्यादा लाया जाए, तो उसके लिए क्या उपाय हो सकते हैं? उसके लिए आपने कुछ सोचा है या? जैसे मैंने अभी स्किल इंडिया में स्पोर्ट्स मिनिस्टर है, तो उनसे, स्किल इंडिया मिनिस्टर भी हैं, तो उनसे मैंने स्किल इंडिया में पूरा प्रॉपर प्रोसेस अभी पता किया था। ठीक है। तो उससे अपन स्किल इंडिया में इसको ऐड करवा के मैजिक ट्रिक्स का, और उसमें यहाँ पे राजस्थान, क्योंकि अपने हिंदुस्तान की एक धरोहर है, एक कला है बहुत बड़ी जो लुप्त हो रही है, तो हम चाहते हैं थोड़ा आप लोगों के उससे थोड़ा सा ये जीवित हो जाए। वही इसीलिए, इसी वजह से मेरा भी स्टार्ट हुआ था कि कोई कर ही नहीं रहा तो अपन ही क्यों नहीं करते, क्योंकि मेरे को कुछ अलग करना था, तो अलग अलग के चक्कर में थोड़ा सा ज्यादा अलग जरूर हो गया, लेकिन अभी मेरे को खुशी होती है कि लोग खुश होते हैं मेरी वजह से। तो इसलिए बस मेन अभी ये है कि जैसे बच्चों को अपन हंसता हुआ देखते हैं, तो मेरे को आपने अभी तक मतलब मैक्सिमम कितने टाइम का, कितनी देर का शो किया है? मैंने 1.5 आवर का शो किया है अभी तक कंटिन्यू मैक्सिमम लगातार। हाँ जी। अच्छा, उसमें कोई गैप नहीं होता? हाँ, उसमें कोई गैप नहीं होता, लोग उसमें, लोगों को अपन बुलाते हैं उनके साथ अलग अलग अल्टरनेट बुला के, और उनके साथ अपन मैजिक ट्रिक्स करते हैं। लोग जैसे उस समय दर्शकों में से आने में थोड़ा सा हेजिटेट तो करते हैं? थोड़ा सा होता है, लेकिन आजकल धीरे धीरे ट्रेंड में है, तो अभी लोग खुद एक दूसरे को पुश करके आते हैं या फ्रेंड्स के साथ आ जाते हैं। आप डे टू डे डेली कुछ ना कुछ सीखते हैं? डे टू डे सीखता तो नहीं हूँ, लेकिन प्रैक्टिस जरूर, फोकस ही रहता है कि प्रैक्टिस अपन जरूर डेली करें, मतलब वो और सुधार होता है उसमें। हाँ, आपकी कला में। हाँ, तो जैसे मंथली मैं कुछ ना कुछ एक ट्रिक ऐड करता रहता हूँ मेरे शोज में। कोई ऐसी चीज जो आप अभी नहीं कर पाए, करना चाह रहे हो शो के जरिए? अभी जैसे हमने फॉरेन के शो देखे हैं, पूरा बड़ी से बड़ी ट्रेन को गैप कर देते हैं, या इस तरह के बहुत बड़े उसको कैनवास को बना देते हैं, तो वो उसमें, तो इसमें जैसे अपन, जैसे हम जो मोस्टली करते हैं वो लोगों की चीज़ों से ही जितना हो सके उनकी चीज़ों से ट्राई करते हैं। ठीक है। तो जैसे आपके पास कुछ चश्मा वगैरह कुछ अगर हो अवेलेबल तो आप कुछ ट्रिक दिखाएंगे? हाँ जी। चलिए, हमारी बहुत इल्यूजन बोलते हैं। अच्छा अच्छा, चश्मा मेरा। हाँ देखिए। हाँ जी। तो जैसे चश्मे को अपन माइंड पावर से मूव भी कर सकते हैं, ये वैसे इम्पॉसिबल है, लेकिन मैं आपको पॉसिबल करके बता देता हूँ। वेरी गुड, माइंड पावर से। हाँ जी, वेरी गुड। तो सिर्फ अपन को चश्मे पे फोकस, थोड़ा जोर से बोलिए जैसे दर्शक पूरी तरह समझ। तो अपन को चश्मे पे सिर्फ फोकस करना है। हाँ। और मतलब मैं करूँ या आप कर रहे हैं या? नहीं, मेरे को ही फोकस करना है। आप कर रहे हैं? हाँ जी। ठीक है। और ऐसे करके उसको अपन फ्लिप भी कर सकते हैं। वेरी गुड। तो ये इल्यूजन में आ जाता है। गजब। इसे एक बार और रिपीट करेंगे? तो इसमें जैसे अपन लोगों के आइटम्स, इसमें आपने कुछ भी टच नहीं किया? हाँ, अपन ने कुछ भी टच नहीं किया। हाँ। हाथ एकदम अपन साइड में कर देते हैं और फोकस करना है अपन को।
ऐसे करके उसको अपन फ्लिप भी कर सकते हैं। तो ये चश्मे के अलावा और क्या कर सकते हैं इसको? चश्मे के अलावा जैसे आप साथ सामान, हाँ रहता वो ब्लेजर है तो उसमें वो पॉकेट्स हैं तो अपन कैरी करने में इजी होता है। तो जैसे टिश्यू पेपर है, टिश्यू पेपर को अपन बर्न करके और बॉल में भी चेंज कर सकते हैं। वेरी गुड। तो एक बॉल अपन यहाँ रख रहे हैं, ठीक है, और मेरे पास पॉकेट में एक और बॉल, तो बॉल को अपन ले लेते हैं और सेकंड वाली बॉल को आपको एकदम टाइट बंद करके रखना है, एकदम टाइट, और फोकस करना है कि वो जंप होगी। तो इसको मैं चेंज कर रहा हूँ छोटी बॉल में और उसको मैं यहाँ से इनविजिबली थ्रो कर रहा हूँ आपके पास। ओपन कीजिए आपका हाथ और वो जंप कर रही है, तो बॉल्स जंप कर रहे हैं। तो एक और बार अपन ट्राई करते हैं, अभी अपन 10 तक काउंट करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10, और वो जंप कर रही है वापस से। गुड, वेरी नाइस। तो इसमें ये ट्रिक थी सारी, ये स्पीड भी थी और फोकस था थोड़ा सा। अच्छा, और जो ग्लासेस, जिसे आपने ग्लासेस वाला किया, हाँ, इसमें वो तो इल्यूजन था, तो वो अपन माइंड पावर से थोड़ा अपन को प्रैक्टिस करके ट्रेन होके प्रॉपर करना पड़ा। माइंड पावर थी, हाँ, वो मैजिक का लास्ट है। हाँ, इसके ऊपर कुछ नहीं, इसके ऊपर कुछ नहीं है कि अपन कुछ टच भी नहीं कर रहे, कुछ भी। अब इसको वेट से आप बढ़ा सकते हैं, जैसे अभी तो आपने एक हल्के वेट की कोई, तो वो धीरे धीरे प्रैक्टिस करके अपन चेंज कर सकते हैं, उसमें किसी और चीज से भी क्रिएट कर सकते हैं। और जैसे हमने शोज में देखा है, जैसे मैजिशियन अपनी ट्रिक्स भी बता देते हैं, देन उसके बाद वो मैजिक का स्कोप ही खत्म नहीं हो जाता अगर इस तरह से बताते हैं। नहीं, ऐसी बहुत सी अभी भी वेबसाइट्स हैं जो मैजिक रिवील उसको बोलते हैं, अपन रिवील कर देती हैं, जो बता देते हैं, चाइनीज वगैरह बहुत सी ऐसी वेबसाइट्स हैं, लेकिन सब लोग नहीं देख पाते। प्लस जब आप मैजिक देख रहे होते हो तो आप इंजॉय कर रहे होते हो, आपको क्रेज होता है कि अपन को कुछ देखने को मिलेगा, तो आपको पता नहीं होता कि सामने वाला क्या करेगा। जैसे आपने मुझे ट्रिक बता दी, उसके बाद मैं पकड़ लूंगा इस मैजिक को, उसके बाद आप पकड़ सकते हो, पॉसिबल है, क्योंकि आपका ध्यान उधर ही रहेगा, मतलब ऑलवेज नहीं है कि पकड़ में आ जाए, हमेशा नहीं होगा। बाकी तो प्रैक्टिस पे है कि अपनी स्किल्स कितनी अपने इम्प्रूव कर रखी हैं, जैसे मैंने कितनी प्रैक्टिस करी है, वो फिर एक चैलेंज रहेगा कि मैं आपको फिर भी ट्रिक बताने के बाद भी उसको मैजिक को करूँ और आपको नहीं पता चले, ये बहुत बढ़िया, वो फिर मेरी प्रैक्टिस का पता चलेगा आपको। अच्छा, फिल्मों में इसका कुछ स्कोप है? फिल्मों में अपन यूज़ कर सकते हैं, जैसे एक मेरे फ्रेंड ने भी शूट किया था, तो उसने छोटी सी मूवी बनाई थी, तो उसमें एक रोल मैजिशियन का स्टार्ट किया था कि एक लड़का था, फिर वो मैजिक शोज करता था, तो ऐसे करके एक फिल्म बनाई थी उस पर, तो उसने वो शूट किया था अभी 3 months पहले, मुंबई से वो फोटोग्राफी कर रहा है। तो ऐसे करके अपन फिल्म से कर सकते हैं कि अभी मैजिक पे फिल्म हैं, लेकिन वो थोड़ा एक तो पहले अभी पुराने कुछ रिनाउंड नेम है जैसे पीसी सरकार और इस तरह के, तो ये लोग आज नहीं दिखाई देते, नहीं सुनाई पड़ते। जैसे पीसी सरकार तो अभी नहीं है, तो अभी उनके बेटे हैं जूनियर, तो वो अभी करते हैं, तो वो थे स्टेज शोज में, तो वो स्टेज शोज करते थे जो इंडिया में पहले से चला हुआ आ रहा है, ठीक है। और जो हम कर रहे हैं वो अभी है स्ट्रीट मैजिक, ठीक है। उसमें अपन स्टेज पे ना करके लोगों के पास जाके उनकी चीजों से कर रहे हैं, ताकि उनको ये लगे कि मैजिक वो ज्यादा इफेक्टिव लगता है, कि मैजिक सच में है, कि आप दूर स्टेज पे, तो आपने डिस्टेंस मेंटेन किया, उसमें पता नहीं लाइट का कमाल है या डिस्टेंस का कमाल है, तो आपको ऐसे मन में कुछ ना कुछ रहता है कि शायद इसने कुछ कर दिया होगा, स्टेज में कुछ होगा, या वो किसी को बुलाता है तो हो सकता है उसका कुछ फ्रेंड होगा, लेकिन अपन पास में करते हैं तो अपन पूरा ग्रुप में करते हैं, चारों तरफ कवर होते हैं अपन आराम से, और उन्हीं की चीजों से अपन ट्राई करते हैं। तो बहुत सी चीजों से करता हूं, जैसे लोगों के साइंस से मैं करता हूं, ग्लासेस हो गए, ऐसे करके कॉइंस हो गए। तो हमारे चैनल के माध्यम से आप जैसे सरकार से या जनता से क्या अपेक्षा रखते हैं कि लोग देख के इसको अप्रिशिएट करें, इसको बढ़ाएं, इस कला को, हिंदुस्तान की जो कला है इसको, और बढ़े? हाँ, तो इसमें यह है कि अपन जैसे बहुत सी चीजें सीख सकते हैं, तो अपन उसको ट्रिक में ना जाके उसको प्रॉपर सीखें, ना कि किसी स्किल वाले आदमी को अपन इंसल्ट करें। आप कुछ ऐसा कोचिंग का भी शुरू करने? कोचिंग का, हाँ, जैसे मैं कुछ स्कूल्स में भी सिखाता हूँ, अभी स्टार्ट किया है मैंने, तो स्कूल्स वगैरह में मैं छोटे बच्चों के लिए कुछ ट्रिक्स हैं, क्योंकि बड़ा साफ सुथरी कला है, इसमें कहीं भी कुछ भी ऐसा नहीं है कि किसी को हर्ट हो रहा है या कोई रिस्क हो रहा है। स्माइल ही अपन स्प्रेड कर रहे हैं, ऐसा कोई नहीं कि अपन
कोई नाराज नहीं में एंजॉय भी कर रहा है इसको, कोई एंजॉय खुद भी कर रहे हैं, मेरे को भी एंजॉय बहुत अच्छा लगता है और सामने वाला भी एंजॉय करने के बाद एक संतुष्टि मिलती है वो बिल्कुल। तो उसमें पैसे की वैल्यू नहीं होती है, स्माइल की वैल्यू होती है कि लोग कितनी तालियां बजा रहे हैं और कितना वो स्माइल कर रहे हैं, कितना खुश हो रहे हैं, कितना एक्साइट हो रहे हैं। अभी आपका क्या ड्रीम है? अभी मेरा ड्रीम है कि मैजिक में मेरे को जैसे आउट ऑफ इंडिया भी बहुत सारे शोज करने का मेरा प्लान है, दुबई वगैरह में, और एक स्कूल में को ओपन करना। तो इसमें आप सरकार से कुछ अपेक्षाएं रखते हैं? सरकार से अभी तो यही कि मेरे को स्कूल स्टार्ट करना है अभी, तो स्कूल में अपन एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट ऐड कर सकते हैं मैजिक। तो अपन वीक में जैसे एक क्लास लें और छोटे बच्चों को अपन धीरे धीरे डेवलप करें, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में इसको ऐड करें, जिससे कि अपकमिंग मैजिशियंस और आ सकें, क्योंकि अभी बहुत स्कोप। अच्छा, जैसे आपने किसी को सिखाया वो आप जैसा ही हो गया, तो उसमें आपकी वैल्यू कम नहीं होगी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस उससे अभी भी, जैसे मैं आप आज किसी को सिखा रहा हूँ तो मेरा एक्सपीरियंस उससे 6 इयर्स आगे, मतलब आप हर मान लें उससे बेटर करेंगे। हाँ, तो मैं कुछ और भी सीख लूंगा, उसको मैं सिखाऊंगा जो मैं कर रहा हूँ, लेकिन उसके बाद मैं फिर किसी और चीज पे चला जाऊंगा, तो वो मैं उससे अभी फॉरवर्ड ही रहा हर चीज में। बाकी तो मेन तो सामने वाले पे भी डिपेंड करता है कि वो कितना स्किलफुल है, कितना जल्दी वो सीखता है चीजों को। बाकी मैजिक होता है, मतलब मोस्टली जो लोग करते हैं वो सब सेम ही होता है कि भाई मैजिक दुबई में भी वही हो रहा है जो मैं यहाँ कर रहा हूँ, यहाँ हो रहा है वही। अभी आपका दुबई जाने का प्लान है? हाँ, अभी मेरा जैसे दुबई शिफ्टिंग का या कोई शो का? शिफ्टिंग का है, अभी कुछ टाइम मेरे को दुबई में शोज करके और फिर यहाँ पे मैं स्कूल्स वगैरह स्टार्ट करने का मेरा प्लान है, तो उसके लिए थोड़ा बजट अपन मेंटेन करें और मेरा रेस्टोरेंट भी स्टार्ट करना है जो मैजिक पे हो प्रॉपर। अच्छा अच्छा, जहाँ लाइव मैजिक होता हो, जैसे मैं जयपुर में भी अभी कुछ जगह शोज करता हूँ वीकेंड्स में। हाँ, एक नई थीम होगी कि तो अभी जयपुर में मेरे अलावा ये चीज कोई नहीं कर रहा है कि अपन रेस्टोरेंट में लाइव मैजिक दिखा रहे हैं और उसमें नहीं, आप जयपुर तक ही क्यों सीमित रहे हैं? आप तो इसको बढ़ाएं, जितना भी इंडिया लेवल पे करें, फिर इंटरनेशनल लेवल पे करें। वो है, कॉन्टेक्ट्स हैं, वो धीरे धीरे अभी क्रिएट हो रहे हैं, अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ, 3 इयर्स हुए हैं, तो धीरे धीरे वो एक्सटेंड हो रहे हैं। हमारे दर्शकों के लिए आप कुछ कहना चाहेंगे? मैजिक बहुत अच्छा है, आप उसको अच्छे से देखिए, इंजॉय कीजिए और अप्रिशिएट कीजिए सामने वाले को, ना कि उसकी कोई कमी निकालें या अपन उसको छेड़छाड़ करें कि नहीं आप ऐसे कैसे कर रहे हो, लव मैं करूं, तो आप उसको डिस्टर्ब ना करें और आराम से देखें, एक नॉलेजेबल इंसान उसको एंजॉय करें, मतलब उसको एंजॉय करें। जैसे आप मूवीज देखते हैं तो जैसे कोई भी हीरो लाइक सलमान खान मेरा फेवरेट है, तो अपन सलमान खान को देख रहे हैं तो अपन को पता है कि वो ना उसकी डेथ हो रही है, ना वो हीरोइन डेथ हो रही है और कॉमेडी हो रही है, तो सब पूरा स्क्रिप्टेड है, लेकिन फिर भी अपन उसी में एंजॉय करके रोते भी हैं, खुश भी होते हैं, जबकि अपन को पूरा पता है सब कुछ वास्तविकता से परे है, उसके बाद भी फिर भी अपन उसको एंजॉय कर रहे हैं कि सच में वो मर रहा है तो अपन रो रहे हैं। ठीक ठीक, तो आप वैसे ही मैजिक को एंजॉय कीजिए कि मैजिक हो रहा है तो उसको एंजॉय करें, ना कि उसमें अपन किसी की गलतियां निकालें या उसका एग्जाम लेने स्टार्ट कर दें कि अच्छा आप ऐसे करके बताओ, अच्छा आप ऐसे करके बताओ, वो एक इरिटेट करने वाली बात है। तो वो आप उसको स्किल पे आप एक डॉट लगा रहे हो उसकी, कि वो आपको एग्जाम नहीं दे रहा है, वो आपको शो कर रहा है, हाँ एंजॉयमेंट के लिए कर रहा है, ये एंटरटेनमेंट है, मूवीज एंटरटेनमेंट है, स्पोर्ट्स वगैरह। हमने बहुत अच्छा मैसेज दिया, ये मास्क के लिए बहुत ज्यादा, मतलब देखने वालों को भी एक संतुष्टि होगी और करने वाले को भी अच्छा लगेगा और उससे नए लोग जनरेट होंगे तो उनको अच्छा भी लगता है कि सामने वाला एंजॉय करता है तो उनको अच्छा लगता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे कार्यक्रम में आके हमारे शो की शान बढ़ाई। थैंक यू, थैंक यू, ओके।